तब तक सखियां आई बोली भैया गज हो गया कन्हैया ले गया बहन रुक्मिणी को। तो आज शिशुपाल को जब पता चली कन्हैया रुक्मिणी को ले गयो अरे तो शिशुपाल को तो ब्याह ना है पहु सबू तो शर्म की मारे पालकी में बैठे गो। अब जब बाकी पालकी बाकी द्वारी पे आई बाकी बहन ने जानी कि मेरे भैया शादी करके ले आओ और जाए अपनी बहन को पालकी से नीच उतार के लाए। पालकी को पर्दा खोलो तो कहा देखो जमे तो भाभी कहाँ जमे तो भावा बैठो। अरे बा को तो ब्याहना है पाओ शर्म के मैं पालकी में बैठे हो। अरे आ जाओ भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर और द्वारकापुरी में आई। कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह होने लगा। आएंगे हमारी परीक्षित जी महाराज यज्ञपति महाराज भगवान का विवाह होगा करेंगी कन्यादान और सभी माता बहने सभी परिवारी जन और सभी भैया दादा बाबा कन्यादान करेंगे। आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है